वास्तव श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हरा दिया। इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम ने 3 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में यह भारत की पहली हार है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 207 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में टीम इंडिया 8 विकेट खोकर सिर्फ 190 रन ही बना पाई। दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत शानदार रही। दूसरे ओवर में अर्शदीप ने 19 रन लुटा दिए और यहीं से श्रीलंका की पारी ने तेज रफ्तार पकड़ ली। दोस्तों, कुशल मेंडिस ने 31 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक श्रीलंका का स्कोर 80 रन हो चुका था। हालांकि अगले ही ओवर में भानुका राजपक्षे भी 2 रन बनाकर आउट हो गए। कुछ समय बाद पथुत सिनांका भी 33 रन बनाकर आउट हो गए। धनंजय डी सिल्वा भी कुछ खास नहीं कर पाए दोस्तों और 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आते हैं दोस्तों, चरित असलंका ने 19 गेंदों में 37 रन बनाकर श्रीलंका की वापसी कराई। अंत में श्रीलंकाई कप्तान धनुष सनाका ने 22 गेंदों में 56 रन की पारी खेलकर श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट पर 206 रन तक पहुंचा दिया। दोस्तों, बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। पारी के दूसरे ओवर में ही भारत को 2 सलामी बल्लेबाज पलेवियन लौट गए। दोस्तों, कसुन रजिता ने ईशान किशन को 2 और शुभमन गिल को 5 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी भी डेब्यू मैच में 5 रन बनाकर आउट हो गए। 21 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम मुश्किल में आ गई। दोस्तों, हार्दिक पांड्या भी कुछ खास नहीं कर पाए और 12 रन बनाकर आउट हो गए। 34 रन पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। सूर्यकुमार यादव और दीपक हुडा ने छोटी साझेदारी की, लेकिन हुडा भी 9 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों, इसके बाद अक्षर पटेल ने सूर्यकुमार के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए। इस बीच श्रीलंका ने अक्षर को रन आउट करने का आसान मौका छोड़ दिया। अक्षर और सूर्यकुमार यादव ने भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुँचाया। इन दोनों ने बेहतरीन साझेदारी कर मैच में भारत की वापसी कराई, लेकिन अंत में दोस्तों सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल दोनों आउट हो गए। इन दोनों के आउट होने के साथ ही भारत मैच यह हार गया। दोस्तों, हालांकि आखिरी ओवर तक भारत के जीतने की उम्मीद बनी हुई थी। दोस्तों, अगला मुकाबला 7 जनवरी को खेला जाएगा। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कम से कम वीडियो को 1 लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।